एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच कल सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के किसानों को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग राज्यों से जुड़े किसानों को नए कृषि कानून की बात समझाई गई, लेकिन दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान शायद अब तक नहीं समझ पाए, इसीलिए उनका आंदोलन लगातार जारी है। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने साफ साफ समझाया कि नए कृषि कानून से आपको फायदा ही फायदा है। यही तो गुड गवर्नेंस है। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम के किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए। दिल्ली से चलकर कैसे करोड़ों करोड़ रुपए देश के दूर दराज के किसानों तक पहुंचते हैं, पूरे देश ने ये तस्वीरें देखी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बटन दबाया और उधर 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में पैसे पहुंचना शुरू हो गए। अमेठी की तस्वीरें देखिए। अभी पीएम मोदी का भाषण चल ही रहा था कि किसानों के मोबाइल पर कैश ट्रांसफर के मैसेज आने लगे। पैसा आया खाते में? सर, हमारे खाते में पैसा आ चुका है। सर, हमारे खाते में 2000 आज की तारीख में आया है। अच्छा। ये आपके सामने है। पैसा आया जी? कितना आया दिखाइए, स्क्रीन दिखाइए हमको, कितना पैसा आया? सर, 2000 रुपए। 2000 रुपए आया जी। इसके पहले कब मिला था आपको ये किसान निधि? सर, 5वीं या 6वीं किस्त में पा चुका हूँ सर। जिस वक्त प्रधानमंत्री किसानों के खाते में पैसे पहुंचा रहे थे, उस वक्त मध्य प्रदेश के होशंगाबाद किसानों ने ही नहीं, किसान परिवार की महिलाओं ने भी सरकार की तारीफ की। वहीं हरियाणा के जींद में किसानों ने थालियां बजाई और टीवी बंद करा दिया। कहा, जब मोदी हमारी नहीं सुनते तो हम उनकी क्यों सुनें। दिल्ली के सिंघ बॉर्डर पर भी किसान विरोध में बैठे रहे। बंदे है ना उसके भगत है जो उसके साथ लगे, उनके खातों में जाना, किसान के खाते में 1 रुपया नहीं आने वाला, ना आज तक आया किसी के खाते में, और ना ही हम इस बीख की उम्मीद रखते हैं कि हमें ये बीख दो, हमें नहीं चाहिए ऐसी बीख। इस भरोसे और इस विरोध के बीच पीएम मोदी देश के अन्नदाताओं के मन में भरोसा पैदा करने के लिए देश भर के किसानों से मुखातिब हुए। मध्य प्रदेश के धार जिले के किसान मनोज पाटीदार को सुनिए। उन्होंने सिर्फ पीएम मोदी को ही नहीं पूरे देश को बताया कि नए कृषि कानून का फायदा क्या है। पहले एक ही हमारे पास एक ही द्वार था, वो था मंडी का, लेकिन अभी हम किसी निजी व्यापारी या किसी अन्य संस्थान को हमारा माल हम बेच सकते हैं। इस साल मैंने खरीफ की जो फसल है सोयाबीन, मैंने सोया चौपाल ITC कंपनी को 41 रुपये क्विंटल से टोटल 85 क्विंटल सोयाबीन मैंने बेचा। वहाँ मुझे उसकी खासियत ये लगी चौपाल की कि वहाँ पे एक दिन पहले ही हमें दर प्राप्त हो जाती है और हमारे सामने बड़ा कांटा होता है, उसे हमारे सामने चेक भी करवाया जाता है और सेम डे हमें पेमेंट मिल जाता है। ये किसान जब देश के सामने अपने अनुभव साझा कर रहे थे तो मोदी भ्रम वाली राजनीति पर प्रहार भी कर रहे थे और विरोधियों पर चुटकी भी ले रहे थे। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर, हाल ही में हमने प्रवर्तक पोर्ट कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका प्रोसेसिंग फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। देश के 7 राज्यों के किसानों ने पीएम मोदी से बात की। दिल्ली से 880 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के किसान को कृषि कानून के फायदे समझ में आते हैं। दिल्ली से 856 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के धार में बैठे किसान ने समझाया कि कैसे वो अपनी फसल बेचकर फायदा कमा रहा है।
दिल्ली से 217 किलोमीटर दूर हरियाणा के फतेहाबाद के किसान को भी सरकार की बात समझ में आती है। दिल्ली से 1507 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के लातूर के किसान ने सरकार की योजनाओं के फायदे गिनाए। दिल्ली से 1347 किलोमीटर दूर ओडिशा के नुआपाड़ा के किसान ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का लाभ समझाया। दिल्ली से 2540 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश के किसान ने फसल बेचने के लिए निजी कंपनियों से जुड़ने का फायदा बताया। यहां तक कि दिल्ली से 2255 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के कृष्णागिरी के किसान को भी सरकार की बातें समझ में आती हैं। लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान पीएम मोदी की बातें समझने को तैयार नहीं है। वो तो हम झूठ मार रहे हैं, वो झूठा का कोई इलाज नहीं है। जन्ना ने करो ये कानून वापस नहीं लेंदा, अभी इन्हें हल्लांगे नहीं, इतों डट के विरोध करांगे। जमीन तो हड़प लेंगे, ये तो सच है। प्रधानमंत्री मैं झूठ बोल दिया जी, उन्हें बोलिया 15 लाख आऊगा जी, आया काला तो नाऊगा आया सी। जब 2500 किलोमीटर दूर बैठा किसान दिल्ली से मिलने वाले फायदे को समझ रहा है, तो 35 किलोमीटर दूर बैठे किसान पीएम मोदी की बातें क्यों नहीं समझ रहे? मेरे किसान भाइयों बहनों, मेरे इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं, आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप पूरे गांव के किसानों को एफपीओ के माध्यम से इकट्ठा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हैं। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून चाहते हैं और नए कृषि बिल को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एमएसपी पर तीन बातें कही। एमएसपी पर सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी की है, वो भी नए कानून बनने के बाद। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया गया है। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, मोदी सरकार ने उनकी संख्या बढ़ाई है। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने एक बार फिर किसानों से कहा कि झूठ और अफवाह के बहकावे में ना आए, कोई दिक्कत है तो सरकार से बताएं। आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया, ऐसा दावा हमारा नहीं है, लेकिन बात तो हो। इन बातों के बावजूद भी लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण, हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।